हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सरर अंसारी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो कमांडर अली इंस्टीट्यूट ऑफ मर्चेंट नेवी एकेडमी जो हैदराबाद में पढ़ता है उसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे लड़कों का क्वेश्चन आया था। क्योंकि पिछली वीडियो मैंने बीपी मरीन एकेडमी के बारे में डाला था, तो लड़के ने बोला था कि सर मुझे कमांडर अली मैरीटाइम एकेडमी जो मर्चेंट नेवी हैदराबाद में है वहाँ का प्रॉपर वीडियो बना दीजिए कि उसमें एडमिशन लेने का प्रोसीजर क्या होता है और कैसा कॉलेज है। तो आज हम लोग इसी वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो हमेशा यूट्यूब चैनल पर लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज कमांडर अली के बारे में जान लेते हैं। जो कमांडर अली मर्चेंट नेवी एकेडमी जो है वो आपका हैदराबाद में पड़ता है, तेलंगाना हैदराबाद में पड़ता है और ये जीपी रेटिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, ठीक है। और इसका जो फ़ी है जीपी रेटिंग का वो 2 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए कमांडर अली के जीपी रेटिंग का फ़ी। और इसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात कर ले तो कमांडर अली में कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है, आप जाकर डायरेक्ट इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पर पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से होती है और वर्ल्ड ट्रेड जो भी यहाँ के फैकल्टी हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से आपको ट्रीट करते हैं और यहाँ पर सब वगैरह की पढ़ाई होती है, DNS, BSc नॉटिकल साइंस, BTech इन मरीन इंजीनियरिंग, GP रेटिंग। लेकिन GP रेटिंग के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है। और एलिजिबिलिटी बात कर लें तो उसकी तो वही आपकी जो एज होनी है 17.5 से 25 के बीच होनी चाहिए, लेकिन अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 28 तक चलेगी, ठीक है। लेकिन मैं बहुत सारे लड़कों का यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनकी एज 25 के ऊपर हो गई है वो जीपी रेटिंग ना ही करें तो उनके लिए बेस्ट है। और ये जीपी और कमांडर अली इंस्टीट्यूट के बारे में हो गया। और बहुत सारे लड़कों का ये भी क्वेश्चन था कि सर कमांडर अली जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में आप बता दीजिए कि उसका प्लेसमेंट का क्या रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर प्लेसमेंट करने के लिए बच्चों के लिए कंपनी वैसे तो आती नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप कमांडर अली इंस्टीट्यूट के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अगर वहाँ पर प्लेसमेंट का एक अलग से काउंटर बना के रखा गया, आप प्लेसमेंट चाहते हैं तो कमांडर अली इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद आपको प्लेसमेंट दे दिया जाएगा, लेकिन प्लेसमेंट का आपको अलग से चार्ज लिया गया। जिस कंपनी में आप बोलिएगा उस कंपनी में वो आपको प्लेसमेंट करवा देंगे, ठीक है। लेकिन प्लेसमेंट का वही कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी कितनी, उसकी कंपनी कितनी टॉप रैंक की है। अगर आप टॉप रैंक कंपनी में जाएंगे तो आपको प्लेसमेंट ज़्यादा देना पड़ेगा प्लेसमेंट चार्ज। तो प्लेसमेंट का यही फंडा है, प्लेसमेंट TSRMR और नूसी गोवा को छोड़कर आप दूसरा अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो प्लेसमेंट का आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा, 2 लाख रुपये सिर्फ इंस्टीट्यूट का चार्ज, और प्लेसमेंट का कम से कम 2-2.5 लाख रुपये अलग से आपको लगेगा। तो यही कमांडर अली इंस्टीट्यूट है। पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई टॉप की होती है, कमांडर अली में आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारी कोर्स होती है, SCCW होता है, ऑक्टो होता है, गैस टैंकर होता है, फायर फाइटिंग होता है, सब मर्चेंट नेवी से रिलेटेड सब कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। सेकेंड मेड का भी होता है, MO Class 4 का भी प्रिपरेशन यहाँ पर कराया जाता है। इसी में मैं और एक इंक्लूड कर देता हूँ कि बहुत सारे लड़कों का ये भी क्वेश्चन था कि सर बता दीजिए कि एजेंट कौन से कंपनी के लिए कैसा चार्ज करता है। तो देखिए, अगर आप टैंकर वेसल ज्वाइन करना चाहते हैं तो टैंकर के लिए 2 से 3 लाख रुपये आपको देना पड़ेगा, कोई एजेंट आपको 3 लेगा, कोई 4 लेगा। अगर टैंकर वेसल पर आप जाना चाहते हैं तो 3 से 4 लेगा। अगर आप टग वगैरह पर जाते हैं तो वही 1-1.5 लाख रुपये में आपको टग पर छोड़ देगा, आपको टग पर चढ़ा देगा एजेंट। अगर आप सप्लाई वेसल पर जाना चाहते हैं तो सप्लाई वेसल में वही 1 लाख रुपये उसका चार्ज होता है। अगर आप कंटेनर पर जाना चाहते हैं या रोरो शिप पर जाते हैं तो 1.5 से 2 लाख रुपये चार्ज है, लेकिन सबसे ज़्यादा टैंकर का चार्ज होता है। वो केमिकल पर जाइए, ऑयल पर जाइए, गैस पर जाइए, समझिए कि टैंकर का चार्ज 3 से 4 लाख रुपये पड़ ही रहा है। तो यही एक प्रॉपर वीडियो थी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।